राजस्थान में शिक्षा से संबंधित आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 का 4438 पदों पर नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। 29 अक्टूबर 2021 को ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर से 3 दिसंबर तक भरे जाएंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन कार्यालय महानिदेशक पुलिस जयपुर राजस्थान का। ये जारी हुआ 29 अक्टूबर 2021 को, आज के ही दिन जारी होता कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया विज्ञप्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी है इसमें। आप यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया के लिए भर्ती तो आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ले जाएंगे। इस हेतु आवेदक का एसएसओ आईडी उपलब्ध होना चाहिए। अगर आवेदक का एसएसओ आईडी नहीं है तो sso.rajasthan.government.in पर एसएसओ आईडी बना सकते हैं। तो एसएसओ आईडी ई मित्र या कियोस्क जन सुविधा केंद्र भी निःशुल्क बनाई जा सकती है। यह एसएसओ आईडी आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र उपलब्ध करवाना होना अति आवश्यक है। आगे नेक्स्ट जानकारी यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए राजस्थान के क्रीमिलियस श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग MBC वर्ग के लिए 500 रुपये हैं। आर्थिक पिछड़ा वर्ग राजस्थान के नॉन क्रीमिलियस श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये हैं। यहाँ पर लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा तो प्रवेश पत्र की बात करें तो विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। भर्ती हेतु रिक्त पद की बात करें तो जिला यूनिट बटालियन में संचालित रोस्टर पंजीकरण के अनुसार वर्गकार रिक्त पदों की गणना निम्नानुसार की गई है। इन पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए आरक्षित 62 पद भी सम्मिलित है। यहाँ पर अलग अलग पदों की संख्या दी गई है जिससे कौशल सामान्य क्षेत्र के लिए आयुक्त जयपुर ग्रामीण जिला करो सभी जिलों में भर्ती हैं। नेक्स्ट है पर जानकारी की बात करें कॉन्स्टेबल सामान्य TSP क्षेत्र की बात करें। नेक्स्ट है यहाँ पर आरक्षण और यहाँ पर देख से हैं वेतनमान और पेंशन की बात करें तो नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष की कालावधि के परीक्षा में परीक्षार्थी के रूप में 14,600 रुपये मासिक नियत प्रासंगिक दिए होगा। तथा 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कांस्टेबल पद की वेतन नियमित वेतन श्रृंखला L5 वेतन नियम अनुसार अन्य भत्ते दिए होंगे। नेक्स्ट है भर्ती हेतु पात्रता की बात करें तो योग्यता छूट ये है महत्वपूर्ण। तो पात्रता की हम बात करें यहाँ पर अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल भूटान प्रजनक नागरिक होना चाहिए। जिला पुलिस मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा का समक्ष उत्तीर्ण उत्तीर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो आयु सीमा की, तो आयु सीमा की है तो राजस्थान पुलिस अधीन सेवा नियम 1989 के नियम 11(3) के अनुसार प्री आयु सीमा में सभी अभ्यर्थी को 1 वर्ष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। नियमानुसार आयु की गणना 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जाएगी। 1 जनवरी 2022 के आधार मानकर आयु की गणना की जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए नियमन तिथि के बाद का जन्म नहीं हो सो जैसे 1/1/2004 से और नियमन तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो तो यह है 2/1/1998 पुरुष के लिए और महिला के लिए 2/1/1993। इसी प्रकार राज्य सरकार कर्मचारियों के संबंधित आशर्ती और कर्तव्यों का पालन करते हुए मारे गए मर्द पुलिस अधिकारी कर्मचारी के आश्रित के लिए है। नेक्स्ट है कांस्टेबल चालक आवेदन के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर बात करें जानकारी के लिए तो भर्ती चयन प्रक्रिया की यह महत्वपूर्ण है। तो कांस्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस दिन सेवा नियम 1989 के नियम 25 व राजस्थान पुलिस दिन 2000 के नियम 28(3) के प्रदान किया जाएगा। लिखित परीक्षा होगी, 150 नंबर की लिखित परीक्षा होगी और 30 नंबर की सार की दक्षता परीक्षा होगी। इसी प्रकार दक्षता परीक्षा लागू नहीं है तो विशेष योग्यता जैसे NCC होमगार्ड पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा आदि प्राप्त है तो प्रमाण पत्र के लिए 20 नंबर लागू होंगे। और कुल कितने नंबर का होगा कांस्टेबल भर्ती के 200 नंबर का होगा। परीक्षा होगी लिखित परीक्षा होगी और 150 अंकों का जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150% होंगे और समय 2 घंटे होगी और प्रत्येक प्रश्न की 0.1 अंक दे होगी। यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो वेचना तार्किक योग्यता कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 60% होंगे 30-60 अंक होंगे और सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान सामाजिक विज्ञान असामयिकी विषयों पर 35% 35 अंक होंगे। और महिलाओं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानून प्रावधान नियमों की जानकारी के लिए 10% 10 अंक और राजस्थान के इतिहास संस्कृति कला और राजनीति आर्थिक के लिए 45% 45 अंक। धन्यवाद।